वेलकम बैक। फिट दिल्ली में आज हम कर रहे हैं बात आपके वजन को कम करने के बारे में। और सवाल ये है कि क्या वाकई वजन को कम करने के लिए आपको कोई पिल लेने की जरूरत है या फिर जिम आकर वर्कआउट करने से भी आपका वजन कम हो जाएगा। हम करेंगे बात अब इसी के बारे में। हमारे साथ मौजूद है अमिंदर, जो कि फिटनेस कंसल्टेंट है, मास्टर ट्रेनर है। अमिंदर, आपका स्वागत है हमारे शो में, वेलकम। तो जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि जो वेट लॉस पिल्स है वो कितनी ज्यादा हमारे सेहत के लिए खराब हो सकती हैं, लेकिन फिर सवाल ये है कि लोग उनका कंजम्पशन करते क्यों है, क्या उनको उसके बारे में जानकारी नहीं है? और दूसरा ये कि उस पिल में ऐसा होता क्या है कि वो सडन डेथ को इन्वाइट करती है? See, when we talk about किसी भी quick reaction के लिए, तो everyone wants a quick result, every sense. Yes, they don't have the information regarding things कि उसमें है क्या, क्या करेगा वो और क्या results आएगा उसका, because the trainers give them a faith कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला. जी. जिसके results में they give a pill जो कि steroid होता है basically, जिसकी वजह से you know the body temperature rates goes so high, it becomes a furnace inside your system. And maybe if the death is not there, you may might get blind with that. So it's of course it should be contraindicated every time, so it should be avoided in any sense. लेकिन ऐसे में जो लोग वजन कम करना चाहते हैं वो जिम आकर भी ये वाला काम कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद जिम आकर आपको बोले कि हमें एक महीने के अंदर इतना वजन कम करना है, मे बी हमें किसी कंपटीशन में जाना है, मॉडलिंग में एंटर करना है, तो उनके लिए फिर आप क्या कहेंगे कि क्या पिल लेना वाकई जरूरी है? See, when we enter inside the competitive nature की हम बात करते हैं, तो आपको एक दूसरे बंदे के साथ competition में आना है जो कि already is taking in some unnatural things. तो अगर आपको भी उसमें competition में आना, of course you are bound to take that thing. So system says sit down with a very good trainer, sit down with a nice doctor along with it, तो कि आपकी एक appropriate dose बनाए ताकि आपको कुछ reaction problems ना आए and still you fight a competition. यानी कि pill लेना अपने आप में खराब नहीं है, लेकिन जो उसकी dose है उसके ऊपर check रखना बहुत जरूरी है। See, अगर फिटनेस लाइफस्टाइल नेचर की बात करें तो इट शुड बी अवॉइडेड। अच्छा, इट शुड बी अवॉइडेड, शुड नॉट बी टेकन बाय एनीवन। बट कंपटीशन नेचर इज कंपटीशन नेचर, बट इफ यू कैन अवॉइडेड, इफ यू वांट टू विन दैट कंपटीशन, आप उसके बगैर कर नहीं सकते, आप गो फॉर दैट थिंग। सिस्टम की यहाँ पर आप बात कर रहे हैं, कोई भी शख्स अगर जिम ज्वाइन करता है तो आप उसको क्या बोलते हैं कि कौन से ऐसे बेसिक वर्कआउट हैं जो कि उसको फॉलो करने की जरूरत है हफ्ते में 4 या 5 दिन, जिनके जरिए वो अपने वजन को कुछ टाइम में कम कर सकता है? See, अगर वो बिल्कुल लाइफस्टाइल के अंदर एंटर कर रहा है, तो इट मींस के इमीडिएटली ड्रास्टिक रिएक्शन के लिए ना जाए, टोटली अवॉइड दैट थिंग। गेट इनसाइड द सिस्टम, लर्न द एक्सरसाइजेस फर्स्ट, गेट इनसाइड द एजुकेशन सिस्टम ऑफ द डाइट फॉलोइंग, देन गो फॉर अ रिडक्शन ऑफ व्हाटएवर यू वांट टू। पर उसके लिए पहले आपको एंटर करना पड़ेगा, आपको एक लर्निंग फेज में आना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, दैट इंक्लूड्स योर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आल्सो, दैट इंक्लूड्स योर कार्डियोवास्कुलर ट्रेनिंग आल्सो, दैट इंक्लूड्स योर योगा स्ट्रेचिंग आल्सो, एंड अ गुड अमाउंट ऑफ एम्पल अमाउंट ऑफ स्लीप आल्सो अलोंग विद दैट। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर आपने बात करी, हमारे पास काफी मेल्स आती हैं व्यूवर्स के एसएमएस के जरिए, हमारे पास सवाल भी वो पूछते हैं। लोग कहते हैं कि वजन कम करने के लिए क्या वेट ट्रेनिंग जरूरी है, क्योंकि शायद एक कंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि वेट ट्रेनिंग का मतलब है अपनी बॉडी बनाना, डोले शोले जिसको हम एक देसी भाषा में इस्तेमाल करते हैं उस फ्रेज का, इसको अगर आप क्लियर करें तो? See, when we talk about the muscle building, there is no, and muscle building is directly linked with the male. और male के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, it's a female and a male human body, जिसमें muscle दोनों में होता है। जी। It's only the little differences के उसका testosterone level और उसका progesterone level, the hormone is different, जिसके वजह से दोनों में reaction अलग होता है, but the benefit of muscle is going to be benefited by both the group. जी, जी। और muscle की बात करते हैं, तो fat reduction उसका second category में आता है, it helps in reducing the body weight also. But the first category में अगर हम मसल बिल्डिंग की बात करें, तो इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन ऑल द जॉइंट्स, तो वो जॉइंट्स हर एक के लिए प्रॉब्लमेटिक है। आजकल लोअर बैक की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा सीवियर है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, नी प्रॉब्लम बहुत सीवियर है, एंड इफ यू गो टू अ डॉक्टर to strengthen this area, the doctor is only going to recommend the strengthening exercise for all that muscle group nearby. जी जी। तो अगर muscle की बात आ रही है, तो muscle की strengthening बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, but strengthening से पहले उसकी learning करना बहुत ज़रूरी है. Execution of that exercise is the first priority for everyone in order to attain whatever goal you want. And it has to be followed on a very strict basis. Very strict basis. जी। एक आखिरी सवाल अमिंदर मेरा आपसे ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं youngsters, खासकर जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो बहुत जल्दी
रिजल्ट चाहते हैं, मे बी दे वॉन्ट टू लुक लाइक ऋतिक रोशन और बिपाशा बासु, उनके लिए एडवाइस आपकी क्या होगी? सी अ सिंगल एडवाइस फॉर ऑल द क्लाइंट्स हु आर कमिंग टू अस कि अगर आपको छोटी जिंदगी जीनी है तो फटाफट रिडक्शन कर लें, बट आपको पूरी जिंदगी अगर एंजॉय करनी है तो फिटनेस लाइफस्टाइल के अंदर आए. डोंट जस्ट पैनिक विद द थिंग्स एंड जस्ट डोंट ब्लाइंडफिटली फॉलो अ ट्रेनर, बट अटेन अ गुड फॉलोइंग ऑफ अ गुड ट्रेनर, उसकी बात माने, बट उसके साथ इंटेलिजेंट भी बने साथ में. बट तो एक डेढ़ महीना दो महीने के अंदर अगर आप रिडक्शन करने की बात करते हैं, डोंट गो फॉर इट. गेट एजुकेशन सिस्टम, गेट योर सेल्फ इंटेलिजेंट, गेट फिट एंड गेट थिन. जी बिल्कुल, बिकॉज़ इफ यू आर फिट, थिनेस इज गोइंग टू फॉलो. तो यहां बात वेट लॉस की नहीं है, बात यहां पे फैट लॉस की हो रही है. यस ऑफ कोर्स, द फैट लॉस इज गोइंग टू द मेन कैटेगरी बिकॉज़ सारे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इफ यू सी देम दे आर नॉट मोर वरीड अबाउट द वेट, बट दे आर मोर वरीड अबाउट द फिजिकल अपीयरेंस व्हिच दे कैच अप ऑन द मिरर. ट्रू, इट्स अ मिरर इमेज. सो मिरर इमेज इज फैट कंपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, द बीसीए, द बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस. अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपके बॉडी में फैट परसेंटेज कितना और मसल कितना. एंड यू विल सी ऑल पीपल हु आर थिन आल्सो इनटू वेरी बैड परसेंटेज फिगर ऑफ फैट टू मसल रेशियो. जी जी, शुक्रिया मिंदर सारे सवालों का जवाब देने के लिए. तो यहाँ बहुत जरूरी बात है कि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल लीड करना होगा. जिम आइए, वे वजन अपना कम कीजिए, लेकिन हाँ, किसी भी पिल को लेने से पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि वो पिल आपको शायद मौत भी दे सकती है.